अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव का। काफ़ी लोग इस सवाल में फंसे हुए थे, तो मुझे रिक्वेस्ट करें तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ आपको फार्मूला पता होना चाहिए डेरिवेटिव के। तो मैंने यहाँ फार्मूला राइट साइड में लिख दिया है। फर्स्ट, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। और टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ ई ए एक्स क्या हो जाएगा? ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए ये बाहर आ गया और ये ई ए एक्स वैसे लिखा गया। ठीक है, ये फार्मूला से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा काम आएगा आपको। ठीक है, याद कर लो। ठीक है, अब हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आपके पास क्या है? एफ ओ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टू एक्स। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे पावर रूल। एक रूल है पावर रूल। पावर रूल क्या होता है? पावर इंटू बेस, पावर माइनस वन, डेड ओवर बेस। अगर हम रूल की बात करें तो एक ये रूल में लिख रहा हूँ, अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसकी पावर है, ठीक है, फर्ज करो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स पावर एन। फॉर्मूला किस तरह खुलेगा? ओपन होगा, पावर इंटू बेस, पावर माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ बेस। ठीक है, ये हम रूल लगाएंगे। तो यहाँ भी हम रूल लगाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली सवाल क्या दिया है? साइन स्क्वायर टू एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसा? साइन टू एक्स की पावर टू। तो यहाँ बताओ जे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एन क्या है? जो कि एन क्या होता है? पावर। पावर क्या है यहाँ पे? टू है। तो क्या रूल लगाओगे? पावर इंटू बेस, पावर माइनस वन। अगर हम यहाँ पे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एफ ओ एक्स है, इसका डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे? एफ प्राइम एक्स। एफ प्राइम एक्स का मतलब क्या है? डी ओवर डी एक्स। किसका? फंक्शन का। ठीक है, तो ये शॉर्ट है हम एफ प्राइम एक्स का मतलब क्या, हमने डेरिवेटिव लिया हमने। ठीक है, तो क्या रूल करना है? अकॉर्डिंग टू रूल, पावर इंटू बेस, पावर माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो यहाँ पे पावर क्या है? टू है। और बेस क्या है? साइन टू एक्स। तो आप बताओ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पावर इंटू बेस, पावर में से एक कम करना है, टू माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ बेस, डी ओवर डी एक्स। बेस हमारे पास क्या दिया स्टूडेंट्स? साइन टू एक्स हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। टू पावर क्या है? टू माइनस वन मीन्स क्या जाएगा? साइन टू एक्स, वन पावर वन हम लिखते हैं। ठीक है, अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? हमें पता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या है? कॉस टू एक्स। अब इसका भी डेरिवेटिव लेना है, एंगल का भी डेरिवेटिव, लोग ज़्यादा भूल जाते हैं। टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर हम बात करें डी ओवर डी एक्स, टू एक्स क्या होगा? टू बचेगा। तो यहाँ टू यहाँ पे आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो ये टू और ये टू आपस में मल्टीप्लाई होंगे। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू क्या देंगे? फोर साइन टू एक्स कॉस टू एक्स। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसको मजीद सॉल्व करना, एक आपके पास फॉर्मूला है कॉस एक्स साइन एक्स, ये होता है आपके पास साइन टू एक्स। चलो हम यही रख रहे हैं, हम यहीं तक इसको फाइनल आंसर मान रहे हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड पे आते हैं। ये आपको स्टूडेंट समझ में आया, हम सेकंड को देखते हैं। एफ ओ एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर टू एक्स। यहाँ पे बेस क्या आपके पास? टेंजेंट है। पावर क्या? टू है। ठीक है, क्या मैं इसको सवाल को लिख सकता हूँ? टेंजेंट टू एक्स की पावर टू। अगेन फॉर्मूला खोलेंगे, पावर टू बेस, पावर माइनस वन। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया एक्स, यहाँ पे आप कुछ भी रखो। ठीक है, मैंने डबल रखा है। ठीक है, तो क्या आएगा? एफ प्राइम एक्स होगा पावर, बेस क्या? टेन टू एक्स। अब हम जल्दी ले करेंगे, टू माइनस वन, वन लिखने की जरूरत नहीं। अब डेरिवेटिव ऑफ टेन, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट क्या होता है? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर एंगल, एंगल हमारे पास क्या है? टू एक्स। अब डेरिवेटिव लेंगे एंगल का, क्या होगा? टू एक्स का डेरिवेटिव क्या? टू। तो यहाँ पे हमने टू लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? ए प्राइम एक्स इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू फोर टेंजेंट टू एक्स sec स्क्वायर टू एक्स। कितना आसान हो गया डियर स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी हम करें ना। या अगर ये फॉर्मूला पता हो हम जल्दी बहुत सारे हम स्टेप्स कम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, इसको पॉज करो।